इस वक्त ही बड़ी खबर आ रही है अनंतनाग से। आपको बता दें, अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर अनंतनाग से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। आपको बता दें, अरवानी इलाके में जवान मोर्चे पर है और साथ ही सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराने में सफलता हासिल की है। इस वक्त की बड़ी खबर अनंतनाग से। आपको बता दें, सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है और सुरक्षा बलों को इस मुठभेड़ में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर अनंतनाग से। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अनंतनाग से शाह जाकिर जुड़ गए हैं। जी सर, खबर की विस्तार से जानकारी दीजिए। जी नहीं, मैं आपको बताऊं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है साउथ कश्मीर अरवनी अनंतनाग से निकल के सामने आ रही है, जहां सुबह 7:30 के आसपास मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा जो है मुठभेड़ यानी कि एनकाउंटर शुरू हो चुका है। फिलहाल जाके मैं आपको बताऊं, एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा। सोर्सेज के हवाले से ये भी बताया जा रहा है, इस एरिया में 2 से 3 आतंकी जो है छुपे हो सकते हैं। फिलहाल अभी मैं आपको शुरू से मैं आपको बताऊँ, आर्मी पुलिस और सीआरपीएफ ने एक टीम ऑफ सर्च ऑपरेशन उस एरिया में लॉन्च किया था। उनको स्पेसिफिक इनपुट्स मिलने पर उन्होंने अपने उस एरिया में अपने मास्टर में लिया है। फिलहाल जो ही वो सस्पेक्टेड स्पॉट तक पहुंच गई है, तो मिलिटेंट्स ने फोर्सेस के ऊपर जो है गोलियां चलाई हैं, लेकिन फोर्सेस ने भी यहां से जवाबी कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर रिटेलिएट में फायर ओपन किया है। अभी ये खबर सामने आ रही है कि एक मिलिटेंट जो है वो मार गिराया गया है सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा। क्या कुछ मजीद अपडेट इस खबर पर बने रहेंगे, हम अपने नाज़रीन को जरूर बता देंगे। तमाम जानकारी के लिए शाह जाकिर, आपका धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर अनंतनाग से, जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। आपको बता दें, आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने अनंतनाग जिले के अरवानी इलाके के मुमनहाल गांव की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया था। आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाने के बाद तलाशी अभियान मुठभेड़ में बदल गया। आपको बता दें, इस मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी मारा गया है और तलाशी अभियान अभी भी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर अनंतनाग से।